एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि विद इन 6 मंथ्स आई विल क्रॉस ऑल द माइलस्टोन्स। नटराज का मैंने देखा है, इसको ट्रेड करने में डर नहीं लगता, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 6 महीने में 1 करोड़ करेगा। और यहाँ 1 CR प्रॉफिट और उसका प्रिंट आउट लेके अपने विजन बोर्ड पे लगाना। ना मैं आश्चर्यचकित हुआ हूँ जो हिसाब से इधर ये सेटअप्स में पोटेंशियल है ना, तो 1 CR की स्टोरी जल्दी मिलने वाली है हमें तथा आज। तो स्टॉक मार्केट में करोड़पति बनने का सपना हर ट्रेडर का होता है और ऐसे ही एक सपने के साथ GSK को ज्वाइन किया नटराज ने। और कैसे उसने अपने सपने को हकीकत में बदला और GSK में आकर अपने स्किल्स को डेवलप किया, इसकी एक छोटी सी झलकी आज हम देखेंगे। नटराज की ये कहानी बहुत ही इंस्पायर करने वाली है, इसीलिए हमने सोचा कि इस कहानी को लोगों तक पहुँचाएं। तो आइए मेरे साथ देखते हैं नटराज के सक्सेसफुल बनने की जर्नी। लेकिन सर ने ये कल डिसाइड किया है कि एक नया बंदा जो हमारे साथ शामिल हुए हैं, लेकिन सर को एक गुरु को पहले से पोटेंशियल दिख जाता है ना, ठीक है कि हाँ इस बंदे में कुछ है, अब मेरे इस स्टूडेंट में कुछ स्पार्क है। तो नए राइजिंग स्टार इन्होंने हमें रिसेंटली ही ज्वाइन किया है, लेकिन सर को पोटेंशियल दिख गया है। लेट्स वेलकम ऑन द स्टेज। मैं जब उस दिन मून साइकिल एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने एक स्लाइड ऐसे दिया था कि इसको कौन एक्सप्लेन करेगा, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया, मैंने देखा नटराज ने भी हाथ उठाया, तो मैंने और किसी को नहीं दिया, नटराज को दिया, क्योंकि मैंने सोचा अगर इसने समझ लिया तो बाकी सब समझ जाएंगे। तो इसने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया कि मुझे लगा कि बाकी लोग समझ गए होंगे। दिस बुक इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, इज इट? या डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच सलील सर फॉर चूजिंग मी एज अ राइजिंग स्टार। दिस रियली मींस अ लॉट टू मी सिंस आई एम स्ट्रगलिंग। एंड वो जैसे कल किसी ने बताया था ना, गुरु अपने शिष्य को चुनता है, तो वैसे ही मेरे को सलील जी का फ़ोन आया था, तो उन्होंने मैं चुना मुझे। एंड रियली आई फील ब्लेस्ड एंड द पोटेंशियल विच आई सॉ यस्टरडे इन टीचिंग ऑफ सलील जी इज़ रियली अमेजिंग। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि विद इन 6 मंथ्स आई विल क्रॉस ऑल द माइलस्टोन्स। या थैंक यू वेरी मच। सलील जी का मेरे को 6 महीने पहले फ़ोन आया था, सिंस आई वॉज डूइंग अ कोर्स समवेयर एल्स, सो आई थॉट दैट कि ऐसा अधूरा नहीं करते, लेट अस फिनिश। एंड जिस दिन मेरा ख़त्म हो गया मैं उसी दिन सर को कॉल किया कि मैं अभी आता हूँ। एंड एक्चुअली इट हैपन टू बी विद इन अ वीक, सो देर वॉज नो टाइम वेस्ट एक्चुअली, सो विद इन अ वीक आई ज्वाइन देयर। ऑफ साइड पर आने का भी फायदा हुआ कुछ? हाँ बहुत मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आश्चर्यचकित हुआ हूँ जो हिसाब से इधर ये सेटअप्स में पोटेंशियल है ना, तो रियली आई एम अमेज्ड। तो अभी जाऊँगा, सबसे पहला काम करूँगा बैक टेस्ट, तो सोचा हूँ 500 एग्जांपल्स बैक टेस्ट करना, उसके बाद ही फिर ट्रेडिंग के लिए उतरना। थैंक सर, ये गोल कार्ड आप अपनी तरफ से कुछ सोचकर आशीर्वाद दीजिए कि नटराज को आप कहाँ देखना चाहते हैं, और नटराज अपने लिए उन ऊंचाइयों को सोचना, हिमालय से भी बढ़कर ऊंचाइयों को, जो तुमको लगे कि हाँ मुश्किल है लेकिन मैं कर जाऊँगा। कल सर ने मेरा गोल कार्ड पढ़ा है, उस पर कुछ ऐसा फिगर विगर नहीं है सर। नटराज का मैंने देखा है, इसको ट्रेड करने में डर नहीं लगता, राजेश जी वाला स्टाइल है इसका, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसका जिस दिन मैं कैंडलस्टिक ख़त्म करूंगा और इंडिकेटर सिखाऊंगा, उस दिन से अगले 6 महीने में 1 करोड़ करेगा। मेरा ऐसा मतलब जबरदस्त तालियां। थैंक यू वेरी मच सर। ऐसा कुछ गोल कार्ड में ऐसा कुछ फिगर्स का माइलस्टोन नहीं है, क्योंकि फिगर अल्टीमेटली तुम्हारा ट्रेडिंग स्टाइल का बाय प्रोडक्ट होता है। तो माय अल्टीमेट गोल इज़ टू बिकम अ चैंपियन एंड अ प्रोफेशनल ट्रेडर ऑफ स्टॉक मार्केट। That's it. ऐसा फिगर तो क्या वेरी होता जाएगा, जैसे हम डेवलपमेंट करेंगे तो वो क्रोर्स एंड बिलियंस ऐसा होता जाएगा। तो वो मेरा अल्टीमेट गोल है, टू बी चैंपियन एंड अ प्रोफेशनल ट्रेडर। क्या मार्केट अपने पकड़ में होना चाहिए? यस। चलने दीजिए म्यूजिक। नटराज को पहले ही पता था मेरा ही नाम होगा, मैं ही हूँ अपॉर्चुनिटी ढूंढने में मास्टर, थोड़ा नीचे आ जाए। नटराज के बारे में तो सभी जानते हैं, इतने सारे दोस्त हैं। अच्छा नटराज में एक सबसे अच्छी बात क्या है, कौन बताएगा? हाँ बताइए।
सर वो जो पढ़ाई करता है इमीडिएटली रूम पे आके फटाफट लिख के एक्सेल में पूरा बना के रख देता है। मैं लास्ट टाइम जब आया था वो हम लोग पढ़ाई करते अरे भाई हाँ जो आज का खत्म हो गया, बट वो ऐसा नहीं, वो पूरा खत्म करके जो भी दूसरा काम करना है जाता है, नोट करके रखता है। बहुत 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 हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन मुझे कभी स्क्रीनशॉट नहीं भेजता। अरे वो बड़ा बड़ा नंबर है क्यों भेजेगा सर, पता तो चले कितना बन रहा है, बोल देगा सर, बोल देगा। ऐसा कोई बात नहीं सर, सलील सर हमको तब भी ना अलग अलग टेक्निक्स बता देते और बोलते थे कि किसी को बोलो मत, और हमने एक्चुअली मतलब वो इतने इनके हट के रहते थे, हमने कभी बैक टेस्ट किया नहीं था और एक्चुअली बैक टेस्ट करना भी आता नहीं था, वो बैक टेस्ट जीएसके में आने के बाद ही करना सीखा। एंड रिगार्डिंग दिस नो लेट मी बी हॉनेस्ट विथ यू गाइज, यस अपॉर्चुनिटी फाइंडिंग आई फाइंड मेनी अपॉर्चुनिटीज एंड मोस्ट ऑफ देम ऑब्लाइज gradually the mind issues will go down and I'll start making money also. So, mind issues पता चल गए जो हाँ mind issues I got to know and करना सीख लिया। yes tapping start हाँ वो फिर ho-po-no-po so नहीं पहले tapping start करना है वो तो prayer करेंगे ही वो tapping start करना body से उसको बाहर निकालना है। see after 3 years of my practice in technique analysis now I am at a stage wherein charts में मेरे को ये भागेगा या गिरेगा वो बोलना बहुत easy है, but द ट्रेड कैपिटलाइज करने के लिए मेरे को बहुत मुश्किल है। मैं एंट्री तो ले लेता हूँ लेकिन फिर शेकआउट हो जाता हूँ और इवेंचुअली एटलीस्ट 10-15% तो पोजिशनल वो भागता ही है या गिरता ही है, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू कैपिटलाइज बिकॉज ऑफ दैट इश्यूज। सो वंस आई सॉल्व माई माइंड इश्यूज नो देन मे बी आई स्टार्ट मेकिंग गुड मनी और मैं आपको भी भेजना चलूंगा। आपने जो नटराज जी अट्रैक्ट किया वो आपके पास खुद चल कर आ रहा है, तो देखें नटराज जी के लिए क्या है जी एस के की तरफ से। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड दिस इज द फर्स्ट बुक इन माई लाइफ विच आई स्टार्टेड रीडिंग पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट एक्चुअली, बट समहाउ आई नीड टू बी अ प्रोफेशनल ट्रेडर सो आई एम कमिंग आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन एंड डूइंग ऑल दिस टू एक्चुअली बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। Yeah, and for that I thank from the bottom of my heart to Salil sir and Pallavi madam. इधर मैं कल भी बोल रहा था ना, इधर ऐसा मतलब इतना सर ने इतना जो गैप है ना वो ब्रिज इतना कम कर दिया कि हम कभी भी सर को पूछ सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं सोचेंगे कि सर चिल्लाएंगे क्या हमारा गलती छोटे छोटे गलती के लिए। या थैंक यू वेरी मच, लेट अस ऑल ग्रो टुगेदर। नटराज जी लास्ट बुक थी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो पढ़ा उसको हेल्प हुआ थोड़ा? दो चैप्टर पढ़ा मैम और उसके बाद मैं अफर्मेशंस भी स्टार्ट किया हूं, तो वो मेरे को एक्चुअल हेल्प कर रहा है। हेल्प कर रहा है। सो अभी अगली बुक क्या है एक बार पढ़िए, खुद से पढ़ के बताइए। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। यस। सो डू यू थिंक इज इट गोइंग टू हेल्प यू? यस मैम डेफिनेटली। नटराज हमारे सारे दोस्त ये जानना चाहते हैं कि पर्टिकुलर कौन सा सेटअप है जो तुमको लगता है कि हां इट इज गोइंग टू हेल्प मी एंड आई एम डूइंग गुड ऑन इट, एंड व्हाट इज द स्टडीज करने के लिए कैसे टाइम निकाले या बैक टेस्टिंग के लिए जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी उनके लिए कुछ मैसेज है क्या तुम्हारे पास? यहाँ पे तो सर ने सबके साइकी के हिसाब से अलग अलग सेटअप दिया है, जिसको बाय करने का है कैपिटल बिल्ड करने के लिए 3 मिनट्स का दिया है और जिसके पास कैपिटल है, तो मेरे को बेस्ट मैं लास्ट 15 डेज से कर रहा हूँ स्ट्रैडल, तो मेरा HUL और SBI का स्ट्रैडल है 5-5 लॉट्स, आज वो दोनों अराउंड 60-70,000 प्लस है। तो एक्चुअली फिर वो मेरे साइकी के लिए सेट होता है, फिर जो कल सर ने कॉन्डोर भी सिखाया था ना वो भी जाके मैं बेस्ट बैक टेस्ट किया हूँ, तो एक्चुअली मैं रोज 4:30 को उठ रहा हूँ, 4:30 to 6 आई डू योगा एंड 6 to 8 आई डू बैक टेस्टिंग। तो जो सर ने स्ट्रैडल्स रिसेंटली सिखाया था स्टॉक पे, तो अराउंड एक 20 मंथ्स का मैं किया हूँ और उसमें एक ही मंथ में लॉस हुआ है, तो आई थिंक दैट सूट्स बेस्ट टू माई साइकी। एंड सिंस भगवान की दया से कैपिटल भी अपने पास थोड़ा बहुत अच्छा ही है, मतलब बहुत जन से सुना हो कि मार्केट ऑलवेज इट इज 70% इन साइडवेज एंड 30% ओनली इट्स मोमेंटम, सो वैसे भी हम स्ट्रैडल करते तो अपना हिट रेशियो ऑटोमेटिकली 70% हो जाएगा, विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। तो 1 CR की स्टोरी जल्दी मिलने वाली है हमें। yes, आज तो ये बुक GSK की तरफ से, सलील सर की तरफ से नटराज को गिफ्ट है जीवन में, और एक गोल लिखना है और उसका वाई भी लिखना है, क्यों चाहिए पैसा, ठीक है? All the best. अरे अरे एक गले मिलाते हुए खिंचाई लो फोटो पे। फोटो खींचो भाई, फोटो फोटो खींचो। करोड़पति बन जाएगा तो पता नहीं फोटो खिंचाने आएगा कि नहीं। खिंचाने आओगे नटराज? यस मैम जरूर। पक्का? थैंक यू सो मच करके, और यहाँ 1 CR प्रॉफिट
और उसका प्रिंट आउट लेके अपने विजन बोर्ड पे लगाना है, ठीक है, साथ में अपनी फोटो। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ जाती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। तो बस अब करना आपको ये है कि अपनी कीमत पहचाननी है और अपने लक्ष्य को सामने रख कर दिशा निर्धारित करनी है, और उसी दिशा में चलते हुए एक दिन आपको अपना लक्ष्य अवश्य मिलेगा। फाइनली अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद कैसा महसूस होता है और कैसे उसे हमने सेलिब्रेट किया GSK के दिसंबर 2023 के वर्कशॉप में, वो आप आने वाले वीडियो के सेकेंड पार्ट में देखेंगे और नटराज की जुबानी सुनेंगे उसकी फीलिंग्स को कि उसने कैसे हार्डवर्क किया और क्या क्या फॉलो करने के बाद ये सक्सेस उसे मिली। तो सेकेंड पार्ट के लिए वेट कीजिए। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।